फेसबुक लाइक किया तो जान से मारने की दी धमकी। यह घटना सावनेर तहसील के खापा गांव में घटित हुई है। नदी के रेत की खुदाई पर पाबंदी है, लेकिन सावनेर तहसील के रेती घाटों पर पोकलैंड मशीन से रेत की खुदाई रोज हो रही है। इस बात से आहत कुछ पर्यावरण प्रेमी ने वीडियो बनाकर फेसबुक में वायरल किया। इस बात का पता रेती घाट मालिकों को पता चला तो उन्होंने कुछ युवकों को साथ लेकर फेसबुक लाइव करने वाले युवकों को उसके गांव में जाकर जान से मारने की धमकी दी। इस दिशा में पुलिस काम कर रही है। धमकी मिलने के बाद आहत युवक ने थाने में जाकर शिकायत करनी चाहिए तो थाने में बैठे पुलिस कर्मचारियों ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। युवकों ने वहीं से नागपुर जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला से संपर्क कर घटना की जानकारी दी तथा पुलिस की शिकायत लेने से इनकार कर रही यह बात सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने थाना इंचार्ज को शिकायत लेने को कहा। उसके पश्चात ही थाने में शिकायतकर्ताओं की शिकायत ली गई। यह मामला सावनेर तहसील अंतर्गत खापा पुलिस स्टेशन में घटित हुआ, जबकि फेसबुक लाइव करने वाले युवक का नाम आशीष ने निवासी खापा है। रेत की खुदाई कनान नदी में कोची डैम से लेकर नंदापुर गांव तक की जा रही है। बताया जा रहा है कि रेत की खुदाई की जा रही जगह की अभी तक नीलामी नहीं की गई है। नदी में रेती निकासी या उत्खनन के लिए मशीन का उपयोग वर्जित है तथा रेत की ढुलाई के लिए नदी में ट्रैक्टर के अलावा कोई भी बड़ा वाहन उपयोग में लाना भी वर्जित है, लेकिन नदी में बड़े वाहनों से रेत की ढुलाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने अभी तक रेत की निगरानी के लिए ड्रोन नहीं चलाया है। रेती घाट मालिकों ने रेती घाट और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगवाए। रेत की परिवहन कर रहे गाड़ियों में जीपीआरएस सिस्टम का भी उपयोग नहीं कर रहे। अधिकांश गाड़ियों में एक ही रॉयल्टी का उपयोग बार बार किया जा रहा। कन्हान नदी में अधिकतर रेती घाटों में मशीन से खुदाई की जा रही है। सावनेर महसूल प्रशासन आंखें मूंदे क्यों बैठा है, यह समझ से परे है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप भी लगाया कि पुलिस और महसूल प्रशासन सावनेर तहसील में रेती चोरी में सहभागी बनी हुई है और इनकी आंखों के सामने से रेत चोरी का कारोबार चल रहा है। खापा के स्थानीय युवकों द्वारा कन्हान नदी परिसर से पोकलैंड मशीन की मदद से अवैध तरीके से रेत उत्खनन करते रेत माफियों की वीडियो शूटिंग करने पर रेत माफियों ने युवकों के साथ धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में आशीष नीले ने घाट संचालक प्रफुल्ल कापसे के खिलाफ खापा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदखल पत्र 181 कलम 504 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। बताया गया कि उक्त सभी आरोपियों ने करसघाट रेती घाट लीलाव में लिया है, परंतु अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर नंदापुर कनान नदी से रेती उत्खनन कर रहे हैं। कोची डैम कड़े जात असताना मले घाटा मध्ये एक पोकलैंड आणि चार पाच ट्रक दिसले, तर मी फेसबुक ला लाइव केलं। लाईव्ह केल्यानंतर मी वापशी आलो बसस्टॉपकडे, तर जे घाटाचे आहे माणसं चार पाच जण ते आले आणि मला शिवी गाडी केली आणि जी म्हणजे जीव मारण्याची धमकी दिली। नंतर मी पोलीस स्टेशनला गेलो, खापा पोलीस स्टेशनला, आणि मी एफ आय आर दर्ज केली आणि जे मी व्हिडिओ बनवला त्याला डॅमला खूप धोका आहे आणि करोडो रुपयाचं इन्व्हेस्टमेंट तिथं गव्हर्नमेंटने केलेलं आहे आणि तो डॅम कधी पण हे उत्खनन चालू असल्यानं त्याला धोका होऊ शकते, तो डॅम नसतानाबूद होऊ शकते असं मला वाटते। BCN न्यूज के लिए सावनेर से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।